असलम अरे वन आई हो क्या आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैरियत के साथ होंगे अच्छा अभी मैं कहीं जा रही थी रेडी हो रही थी तो मैंने जो है ना वो भी नेल्स अप्लाई किए तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो क्यों ना बना लूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल लेस लगवाने के लिए पॉलर जाते हैं और तीन हज़ार से सेवन थाउजेंड तक लाजमी पॉलर वाले आपको चार्ज करते रहते हैं ठीक है जबकि ये काम आप घर बैठ कर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दस मिनट के अंदर कर सकते हैं और आपको कॉस्ट जो है वो टू फिफ्टी से थ्री हंड्रेड के बीच पड़ने वाली है ठीक है ये मैंने अप्लाई किया आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और कितने ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं ही नहीं रहा है इवन की आर्टिफिशियल है आई होप कि आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा तो एनीवेज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से 10 मिनट के अंदर जो है ना वो ये कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की इजी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली हैं और ये भी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्वालिटी की नेल्स आपको लेने हैं ठीक है तीन से चार तरह की नेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ डिफरेंट तरीके के तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह के नेल्स आपको लेने हैं और किस तरह से आपको एडजस्ट करना है तो वीडियो को शुरू करते हैं लेस का स्टार्ट अच्छा जी तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे नेल्स ठीक है नेल्स आपको ये वाले कहीं से भी मिल जाएंगे ऑनलाइन पेजेस पे भी अवेलेबल हैं डिफरेंट मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं ठीक है मैंने ये अपनी लोकल मार्केट से लिए थे और ये पैक आपको डिफरेंट प्राइजेज़ हैं लाइक अब ये वाला मुझे वन का मिला है पीछे वाला जो है वो टू थर्टी का और ये एक ट्रांसपेरेंट नेल्स हैं ये जो है ना ये भी कोई टू तक की रेंज में थे ठीक है अब हमारे पास यही तीन डिफरेंट टाइप्स हैं एक वाइट होता है एक ऑफ वाइट होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं तीनों ही सैलोंस में यूज़ होते हैं और तीनों ही ब्राइड्स भी यूज़ करती हैं ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर ये वाइट वाली यूज़ करूँगी अच्छा अब इनमें डिफरेंट तरह की शेप्स भी अवेलेबल हैं डिफरेंट तरह के साइज़ भी अवेलेबल हैं और क्वांटिटी भी इनकी कुछ की हंड्रेड है कुछ की टू हंड्रेड है तो मतलब ये डिपेंड करता है पैकेट टू पैकेट पर सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़ करना है अपने हैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बॉडी लोशन यूज़ करी हूँ एम के का ज़बरदस्त किस्म का सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है आप अच्छे तरीके से अपने हाथों को अपने नील्स को मॉइस्चराइज़ कर लें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो आपके नील्स ड्राई ना हो जो आपकी क्यूलेट्स हैं वो ड्राई ना हो ठीक है अच्छा अब मैंने मॉइस्चराइजिंग कर लिया उसके बाद अब आपने अपने नील्स को कट करना है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने अपने नील्स को कट करना है जो आपकी अपने नेल्स हैं ओरिजिनल नेल्स हैं वो जब तक उनकी कटिंग नहीं हुई होगी तो आपके जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई होंगे अच्छा अपने नेल्स कट करने के बाद अब मसला ये था कि मेरे पास साइजेस तो डिफरेंट अवेलेबल थे लेकिन वो साइजेस मेरे साइज़ यानी कि जो मेरे नेल्स का साइज़ था उनके अकॉर्डिंग नहीं थे क्योंकि मेरे नेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो मुझे कोई आइडियल साइज़ मिल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे किया कि जो आपकी करीब तरीन साइज होगा जो भी आपकी नेल के हिसाब से अगर आपको भी अपने नेल का साइज़ ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप फिर उसी नेल को जो है ना वो कटिंग करके फ़ाइल करके एडजस्ट कर लें अपने नेल्स के हिसाब से तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो साइज़ लिए हैं डिफरेंट अपने पूरे पाँचों नेल्स के लिए और मैंने उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो फ़ाइल किया है उसके बाद मैंने इनको कटिंग करके देन फाइल करके मैं इनको अप्लाई करूँगी तो अच्छा यहाँ पर मैं नेल ग्लू ये वाली ले रही हूँ बहुत अच्छी ग्लू है अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप जो है ना वो एल्फी भी यूज़ कर सकते हैं एल्फ़ी बहुत स्ट्रॉग होती है और ये ग्लू भी बहुत स्ट्रॉग है लाइक बहुत अच्छे तरीके से आपके नेल्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं और पॉलर्स वाले भी यही यूज़ करते हैं और दो दिन तक तो आपके नेल्स नहीं हटेंगे जगह से तो मैंने अपने थम का नेल जो है ना उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिए अब इसी तरह से कटिंग करने के बाद मैं अपनी सेकंड फिंगर जो है ना उसका करूँगी इसी तरह से बाकी भी मैंने अपने नेल्स वन बाय वन अप्लाई करना है अच्छा सबसे पहली टिप यही है कि आपने अपने ओरिजिनल नेल्स जो है उनको कट करना है उनको शॉर्ट करना है ताकि आपके नेल में और आर्टिफिशियल नेल में गैप ना हो और गैप होने की वजह से वो स्टिक ज़्यादा देर नहीं करेगा वो थोड़ी देर बाद उतर जाएगा ठीक है और दूसरी चीज़ ये कि आपने ना जब नेल को अप्लाई करना है तो उसको बैक साइड की तरफ यानी कि बैकवर्ड जो है ना वो पोजीशन में अच्छे से पुश करना है ताकि वो आपकी स्किन के अंदर मतलब बहुत अंदर नहीं लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपने उसको फाइल किया हुआ वो वो पीछे से काफ़ी सॉफ्ट होता है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होता तो आपकी स्किन में चुपता नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसको बैक से करके करें ताकि वो उखड़े ना अपनी पीछे वाली साइड से वहाँ से नील जो है ना वो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो हट जाता है उखड़ जाता है और तीसरी चीज़ ये कि आपने जो है ना वो ग्लू बहुत कम थोड़ी थोड़ी सी यूज़ करनी है ताकि और कोशिश करना है कि एक ही दफ़ा मिस्टेक हो जाए आपका नेल आपको दोबारा ग्लू जो है वो री ना करनी पड़े क्योंकि अगर आप उसको री करेंगे तो ग्लू की जो लेयर है वो थिक होने की बजाय वो काफ़ी थिन सी हो जाएगी और वो फिर एक गैप्स आ जाएगा आपके नील में वो जितनी थिक हो सकती है वो उतनी थिक हो एक बिल्कुल हल्की सी पत्ती सी लेयर लगनी चाहिए तो ये कोशिश कर लें कि ग्लू कम से कम यूज़ करें थोड़ी यूज़ करें और उसको थोड़ी देर स्टिक करके रखें ताकि आपका नील जो है वो अच्छे से बैठ जाए अब शेप जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो शेप चाहिए आप उस तरह से आपको ये बॉक्स वाली चाहिए आप बॉक्स वाली कर लें ठीक है आपको राउंड चाहिए आप राउंड कर लें मतलब जो भी शेप आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं मैं बहुत नेचुरल तरफ से जाऊँगी क्योंकि मेरे नेल्स की जो है ना वो राउंड शेप बहुत अच्छी लगती है बहुत नेचुरल लगता है तो मैंने अपने इनको जो है ना वो अच्छे तरीके से कटिंग करके फाइल करके देन मैं इनको राउंड शेप में एडजस्ट कर लूँगी शेप भी टोटली आपके ऊपर है अगर आपके हाथ लंबे हैं यह आपको आइडिया है कि आपके आ, नेल्स की कौन सी शेप आपको सूट करेगी तो आपने वो शेप उसमें अपने नेल्स को कन्वर्ट कर लेना है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से फाइल कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी हार्श ना हो बिल्कुल भी जो है वो साइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुदरी सी ना लगें ठीक है ईज़िली और स्मूथ सरफेस रहे मेरे नेल्स का तो ये करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं अपनी नेल पेंट अप्लाई करूँगी नेल पेंट भी आपकी अपनी चॉइस है आपको किसी भी तरह का नेल जो भी कलर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं अच्छा आप शादी पे जा रहे हैं तो भी आप इन नेल्स को अप्लाई कर सकते हैं आपको एवरी डे के लिए चाहिए तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं इवन आपकी अपनी शादी है तो भी आप इनको लगा सकते हैं आपको बॉलेट जाके इतने ज़्यादा पैसे ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल नेचुरल और ऐसे वजह से इन पर ये बिल्कुल आपके अपने ही लगता है मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि फ़ेक आपने कोई चीज़ अप्लाई की हुआ है तो यहाँ पर जो है ना मैं ये ब्राउन कलर का नेल पेंट लगा रही हूँ रिवाज का ये बहुत अच्छा है इसका शेड जो है ना कलर वो मैंने मेंशन किया मैं दोबारा से भी देख लेती हूँ क्या है आपको बता दूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेंशन कर दूँ डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया अगर बहुत सारे लोग नहीं देखते और फिर बाद में गिला करते हैं कि आप तो कुछ मेंशन ही नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं चीज़ें मैंशन कर देती हूँ और जो चीज़ें मैं नहीं मैंशन करती वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर मेंशन की होती हैं हाइलाइट्स में तो फिर बार बार सेम चीज़ मेंशन करना मतलब अच्छा नहीं लगता ठीक है तो खैर यहाँ पर मैंने अभी सिंगल कोट अप्लाई किया है पहले सिंगल कोट अप्लाई करना है एक ही नेल पे एक ही दफ़ा में दो दो तीन तीन कोट मत अप्लाई करिएगा पहले आपने सिंगल कोट अप्लाई करना है जब वो ड्राई आउट हो जाए देन आपने ट्राई करना है कि आप इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया और साइड से मैं ये थोड़ा सा रफ़ काम कर रही करी कि मैं दूसरे नेल से दूसरे हाथ से क्लीन कर रही करी आप पास जो है ना वो कोई भी वाइप वगैरह रखें जिससे आप अपने नेल्स को क्लीन करें यहाँ पे भी मैं सेकंड कोट अप्लाई करूँगी और आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्ती लुक निकलेगी हाथों की और इतने जबरदस्त से नेल्स लगेंगे कि ऐसे लगेगा आपने ख़ुद ही जो है ना वो आपके नेचुरली आपके कहीं पॉलर वगैरह या आपने किसी बहुत एक्सपेंसिव पॉलर से एक्सपेंसिव किस्म के नेल्स जो है ना वो लगाए हुए हैं ठीक है तो ये आप देख सकते हैं अभी जो है ना वो मैंने वाइट कलर के नेल्स यूज़ किए थे इनका बस एक थोड़ा सा जो है ना वो मसला ये लगता है कि जब आप इन आप ख़ुद देखेंगे जब आप अपनी दूसरी साइड से देखेंगे तो वो वाइट कलर नज़र आता है नीचे जिससे पता चल जाता है कि ये आपने आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ किए हैं या आपके औरजिनल नहीं है तो जो ट्रांसपेरेंट है ना वो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी नेल पेंट अप्लाई करेंगे तो वो दूसरी साइड से भी सेम ही कलर ट्रांसपेरेंट ही मतलब सेम कलर ही नज़र आएगा तो उससे ये लगता है कि वो आपके नेचुरल हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट भी अप्लाई किए हैं सेम तरीके से किए हैं नेल्स की शेप अपने शेप के हिसाब से चेंज किया है फिर उनको फाइल किया है आगे से भी शेप चेंज किया है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इनको भी सेम उसी तरीके से स्टिक किया है और इसका दूसरा सीन ये है कि ये जो है ना आप जिस मर्जी तरीके से लगाएं अगर आप एक्सपर्ट नहीं है थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं डेफिनेटली तो ये आपकी गलतियों को कवर कर लेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और फील नहीं होता कि कहाँ क्या गलती हुई है ठीक है तो यहाँ पर मैंने मेून कलर अप्लाई किया क्योंकि मुझे जाना था ऑब्वियसली फंक्शन पे तो मुझे मेरून कलर ही चाहिए था तो मैं अच्छे तरीके से पहले एक हाथ पे अप्लाई करूँगी दिन दूसरे हाथ पे करूँगी और उसके बाद फिर सेकंड कोट अभी ये सिर्फ सिंगल कोट में अप्लाई करी और बस बाकी है कि ये जो नेल पेंट है ये मेडोरा के और आई एम रियली सॉरी इसका नंबर जो है ना वो मिस हो गया है क्योंकि काफ़ी पुराना शेड है ये मेरे पास और इसका नंबर हट गया और मुझे नहीं पता ऑनेस्टली नहीं पता कि ये कौन सा शेड है लेकिन आप मार्केट में जाएँ लोकल मार्केट में किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप्स पे आपको मेडोरा के या डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो नेल पेंट्स नजर आएंगे आप अपने हाथों पे अपने नेल्स पे अप्लाई करें देन आप देखें जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कलर किसी और पे अच्छे लगेंगे लेकिन वो एक कन्फर्मेशन ये है कि वो आप पे भी अच्छे लगेंगे ठीक है तो आप जो है ना जब भी नेल पेंट लें ने, तो कोशिश करें वो उसी रैम ट्राई आउट कर लें और देख लें कि वो आपकी स्किन टोन के साथ किस तरह से जा रहा है तो बस ये थी आज की वीडियो और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको शाइन चाहिए हो तो आप मतलब मजीद शाइन चाहिए हो वैसे तो जो मैंने क्वालिटी यूज़ किया लाइक ट्रांसपेरेंट नेल्स का ये सीन है कि आपको वैसे ही शाइन मिल जाती है ठीक है नेल पेंट लगाने के बाद लेकिन अगर आपको मज़ीद शाइन चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं वो किसी भी कलर के ऊपर यूज़ करेंगे तो आपकी जो नेल पेंट की शाइन है वो उसी तरह की रहेगी जैसी वो आपको नजर आ रही होगी ठीक है तो ये थी आज की वीडियो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप देख सकते हैं नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने कोई बहुत फेक सीन किया हुआ और बहुत कोई गंदे गंदे से बड़े बड़े से नाखून नहीं लग रहे बस आपने यह ध्यान में रखना है कि साइज़ हमेशा आपके अपने नील के साइज़ के हिसाब से ही होना चाहिए नहीं है तो उसको प्लीज़ कट करके एडजस्ट कर लें बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इन शाला आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़